हेलो एवरीवन, इन टुडेज क्लास वी विल स्टडी अबाउट एडवर्ब्स। एडवर्ब्स मीन्स क्रिया विशेषण। एड प्लस वर्ब्स मीन्स जो वर्ब है, क्रिया है, उसमें उसकी विशेषता बताई जाती है, उसमें और सब ऐड किए जाते हैं। क्रिया की विशेषता बताना, एडजेक्टिव की, तो उसमें और इसके आगे ऐड किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है और अच्छी तरह से वर्ब को, तो उसको हम कहते हैं क्रिया विशेषण। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। एडवर्ब्स वो शब्द होते हैं जो बताते हैं, वर्णन करते हैं वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को और दूसरी एडवर्ब्स को भी बता सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल, सीमा राइट्स ब्यूटिफुली। सीमा लिखती है, राइट्स। व्हाट इज वर्ब इन दिस सेंटेंस? राइट्स। अब वर्ब को बता रहा है कि कैसे लिखती है, ब्यूटीफुली, सुंदरता से। सो ब्यूटीफुली इज एडवर्ब। ओके, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। ओके, इसके प्रकार, फर्स्ट एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, मैनर मीन्स हाउ, इन व्हाट मैनर। आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ और इन व्हाट मैनर। जब कोई भी, हम कोई भी वर्ब को रख के क्वेश्चन करते हैं कि कोई कार्य कैसे हुआ, हाउ मीन्स कैसे, और व्हाट मैनर या किस तरीके से हुआ, तो जब उसका आंसर आता है तो क्या होता है, वो एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, नेक्स्ट थी एग्जांपल्स। एग्जांपल्स, दे फोर ब्रेवली। अब व्हाट इज वर्ब इन दिस सेंटेंस? फोर्ट। फोर्ट इज वर्ब। अब वो फोर्ट मीन्स लड़े, कैसे लड़े वो, ब्रेवली, बहादुरी से। अब ये बताया गया है कि कैसे लड़े वो, ब्रेवली, बहादुरी से, तो दिस इज एडवर्ब ऑफ मैनर। और दीज एडवर्ब्स आर यूजुअली फॉर्मड बाय एडिंग द सफिक्स ly। जो एडवर्ब ऑफ मैनर है उसमें जो है ly होता है मोस्टली। ज्यादातर एडवर्ब में क्या होता है, ly होता है, लाइक एज। अब हम इसके ब्राइटली ly एंड में, सॉफ्टली, सैडली, जॉयफुली, स्ट्रोंगली, टाइमली, ईगरली, एंशियसली, क्विकली, happily, bravely। now, well, hard and fast, इनमें ly नहीं होते। okay, learn it carefully, these adverbs learn it carefully। okay, these are adverbs of manner। okay students, second, adverbs of place, answer the question of where, where means कहाँ। जब हमारा क्वेश्चन पूछने पे जो आंसर आता है, क्या आता है कि वेयर, क्वेश्चन हम पूछते हैं तो उसका जो आंसर आता है वेयर का, तो वो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, कि कोई चीज कहाँ पर है। जैसे एग्जांपल, दे हैव गोन आउटसाइड। वेयर हैव दे गोन, वो कहाँ गए हुए हैं, आउटसाइड, बाहर, तो आउटसाइड इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस आर, दीज आर एग्जाम्पल। हेयर से हम पूछेंगे, दे हैव गोन हेयर, वो यहाँ पर गए हुए हैं। दे हैव गोन देयर, देयर, तो हेयर, देयर, अप, इनसाइड, फॉरवर्ड, अप स्टेयर्स, अपवर्ड्स, नाउ वेयर, डाउन अप। ओके, नाउ नेक्स्ट, थर्ड, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, इससे हमें समय का पता चलता है। आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हेन, जब हम व्हेन से क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई कार्य कब हुआ है, तो आंसर जो आता है When, आंसर जो आता है हमारा क्या होता है, वो एडवर्ब ऑफ टाइम, समय का पता चलता है। एग्जाम्पल, द वॉयज विल अराइव सून। व्हेन विल द वॉयज अराइव, लड़के जो है वो कब आएंगे, आंसर हमने क्वेश्चन पूछा व्हेन से, कब आएंगे, तो आंसर इज सून, जल्दी, कब आएंगे, जल्दी, सून, तो एडवर्ब ऑफ टाइम इज सून। ओके, एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स आर टूडे, लेटर, every day, then, shortly, yesterday, once, monthly, yearly, tomorrow, recently, ago। okay students, now next to next adverb, four type of degree, adverbs of degree। okay, four type of adverb, adverbs of degree, answer the question of how much or what degree। how much means कितना और what degree की कितनी मात्रा है, कितना या कितनी मात्रा। ओके, एग्जाम्पल, द सन इज एक्सट्रीमली हॉट, जो सूर्य है वो गर्म है, लेकिन कितना है, एक्सट्रीमली मीन्स बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली मीन्स
बहुत ज्यादा कि बहुत तेज गर्म है. सो दिस इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, सम एडवर्ब्स ऑफ डिग्री आर, कुछ एडवर्ब्स हैं ऑलमोस्ट, मच, टू, फेयरली, वेरी, ओनली, टोटली, कंप्लीटली. ओके, यू हैव टू लर्न ऑल दीज एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मीन्स बारंबारता, कोई चीज बताना कि कितनी बार हुई है या बार बार हुई है, फ्रीक्वेंसी बताना. आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ ऑफन, कितनी बार, हाउ ऑफन कि कितनी बार कोई कार्य कितनी बार हुआ है या कब. एग्जाम्पल, ही हैज नेवर विजिटेड मी, कि वो मुझे, नेवर मीन्स कभी भी देखने के लिए नहीं गया, तो कभी भी नहीं आया, तो नेवर मीन्स कभी नहीं, ये बताया इसमें कभी नहीं कि कितनी बार गया, एक बार भी नहीं, दो बार भी नहीं, इसका मतलब वो कभी भी नहीं गया. ओके, दीज आर एग्जाम्पल्स, ऑफन, ऑलवेज, यूजुअली, समटाइम्स, सेल्डम, ट्वाइस. ओके, यू हैव टू लर्न दीज एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब ऑफ डिग्री. ओके, फ्रीक्वेंसी, सॉरी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. इंटरोगेटिव एडवर्ब्स यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन, जो इंटरोगेटिव एडवर्ब्स होती है, जैसे नाम से ही पता चलता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन. वी आस्क क्वेश्चन, एग्जाम्पल, हाउ आर दे परफॉर्मिंग, इन द एंड इज क्वेश्चन मार्क. तो हाउ मीन्स कैसे, कि वो कैसा परफॉर्मिंग कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, तो दीजिए, दिस इज इंटरोगेटिव एडवर्ब. ओके, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुम, व्हाई, हाउ, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, यू हैव टू लर्न. ओके, नाउ लेट्स डू रिलेटिव्स एडवर्ब्स. रिलेटिव्स एडवर्ब, रिलेटिव्स मीन्स संबंध बताना. यूज इंस्टेड ऑफ आर रिलेटिव प्रोनाउन, लर्न इट. ये किसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है, प्रोनाउन, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, संबंध बताने वाला प्रोनाउन होता है, उसके स्थान पर हम रिलेटिव एडवर्ब्स का यूज करते हैं. देर आर ओनली थ्री टाइप्स ऑफ रिलेटिव एडवर्ब्स, कितनी होती हैं, थ्री टाइप्स ऑफ रिलेटिव एडवर्ब्स, वेयर, व्हेन एंड व्हाई. कितनी होती हैं, वेयर, व्हेन एंड व्हाई, ओनली थ्री होती हैं. ओके, एग्जाम्पल, आई रिमेम्बर द डे व्हेन वी फर्स्ट मेट, मुझे वो दिन याद है जब, व्हेन मीन्स जब हम पहली बार मिले थे. तो इसमें क्या हमें ये ध्यान रखना है, जो इंटरोगेटिव एडवर्ब है वो सबसे स्टार्टिंग में आती है, पहले उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड में क्वेश्चन मार्क होता है, बट वेयर, व्हेन और व्हाई ओनली, जब ये बीच में आती है तब ये रिलेटिव्स एडवर्ब होंगी. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, अंडरस्टैंड डिफरेंस. नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस. हम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज करते हैं. अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस, ओनली हमें इसमें अंडरलाइन करना है और उनका टाइप बताना है कि वो कौन से टाइप की है. ओके, फर्स्ट, ही लिसेंस टू मी पेशेंसली, वह मुझे सुनता है. अब हाउ, हाउ डज ही लिसन, कैसे सुनता है वह, हमने क्वेश्चन पूछा, आपको बताया गया था कि जब क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें क्या आता है, हाउ, कि कैसे, कैसे, पेशेंसली मीन्स धैर्य से. तो दी, दिस इज एडवर्ब ऑफ मैनर, ये कौन सी एडवर्ब हुई, मैनर, क्योंकि इसमें तरीका बताया जा रहा है कि उसने कैसे, वो कैसे सुनता है, कैसे सुनता है मुझे, बड़े ही धैर्य से सुनता है. तो जब हम क्वेश्चन पूछते हैं इसमें हाउ से, तो हमारा आंसर क्या आता है कि वो सुनता है पेशेंसली. तो लिसन इसमें वर्ब है और उसको वर्ब को बताया जा रहा है कि वो कैसे करता है, सुनता है वो कैसे सुनता है, पेशेंसली. ओके, टू मॉडिफाई द वर्ब लिसेंस, किसको मॉडिफाई कर रहा है, लिसेंस को मॉडिफाई कर रहा है, पेशेंसली. ओके, एडवर्ब ऑफ मैनर. नेक्स्ट, द मेड हैज गोन अप स्टेयर्स, अ मेड जो है वो वेयर, कहाँ गई, बताया था आपको मैंने उसमें कि एडवर्ब ऑफ प्लेस आंसर द क्वेश्चन ऑफ वेयर. जब वेयर का कोई आंसर आएगा तो वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस. जैसे मेड जो है वो कहाँ गई, अप स्टेयर्स, सीढ़ियों पर, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस. ओके, द फिल्म वॉज टू गुड, फिल्म जो है बहुत अच्छी थी, टू मीन्स बहुत अच्छी, तो जब बताया था कि कितना ज्यादा है, हाउ मच, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री. ओके,
आई रेयरली वॉच मूवीज, मैं रेयरली मूवीज देखता हूँ कि रेयरली बहुत मुश्किल से, ये नहीं कि रेगुलर देखता हूँ। दिस इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसमें बता रहा है फ्रीक्वेंसी बताई जा रही है। नेक्स्ट फिफ्थ, आई मेट दैम यस्टरडे, मैं उनसे मिला यस्टरडे। व्हेन डिड आई मेट, मैं कब मिला उनसे, जब आंसर आ रहा है हमारा व्हेन का तो यस्टरडे, कब मिला यस्टरडे, तो दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड यू हैव टू लर्न ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब्स। ओके, कि एडवर्ब ऑफ मैनर कौन कौन सी है, इफ यू लर्न केयरफुली देन यू विल डू योर एक्सरसाइज ओके इजली। अगर आप ये सब रूल याद कर लोगे तो आपको आसानी से अपनी एक्सरसाइज कर सकते हो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।